हेलो माय फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें जो हम फ्लावर बनाएंगे उसमें जो रिबन यूज़ हो रहा है उसकी विथ ये है। रिबन की विथ 1.5 इंच है। स्ट्रिप्स की जो हम लेंथ काटेंगे वो 4.5 इंचेस होगी, 4.5 इंचेस होगी, और स्ट्रिप्स हम इसमें 10 लेंगे। आप फ्लावर जितना बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से आप उतनी ज़्यादा स्ट्रिप्स उसमें ऐड कर लें। अगर स्मॉल बनाना चाहते हैं उसमें इसमें से आप कम कर लें। और इसमें ये पर्ल यूज़ होगा और ये हमें ज़रूर चाहिए होगा रूलर और ये लाइटर, और सेम कलर का हम थ्रेड लेंगे। ये वाला हम रिबन यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम स्ट्रिप्स इसकी काट लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच की है ये, और इसमें हमें डबल नहीं ट्रिपल टाइम हमें लेना होगा। तो हम इसको डबल, इसका 3 हो जाएगा और ट्रिपल होगा 4.5। एग्जैक्ट हम 4.5 काटेंगे। फिर हम सेकंड वाले ऐसे काट लेते हैं। दो से ज्यादा स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ आप नहीं काट सकते, इसलिए कि उनकी मेजरमेंट फिर चेंज हो जाती है। नहीं अब हम इनके एजेस बंद कर लेते हैं। आपके पास अगर लाइटर नहीं है आप कैंडल के साथ कर सकते हैं, अगर कैंडल भी नहीं है तो आप स्टोव चला के उसके फ्लेम के ऊपर इसको बंद कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने इस तरह से करके इसको देखना है। और इसे यहाँ ऐसे हमने फोल्ड कर लें और फिर हमने इसे यूं इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसे हमने यूं इस तरह ऐसे मोड़ लेना है आपने। अब इसे हमने ऐसे कर लेना। एक को हमने इस साइड को फोल्ड कर लिया, ये सेंटर वाली लेयर ऐसे रहेगी, ठीक है। एक साइड को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, दूसरी साइड को हम इस तरह से टर्न करके फोल्ड कर लेंगे ऐसे। यूँ इस तरह, फिर आपने ऐसे हमने नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से नो, हमने इसे यूँ ऐसे फोल्ड करना है।
अब ये देखें, ये एक साइड हमने ठानी है, इसे आप छोड़ दें। और हम इसको टर्न कर लिए, ठीक है, इस तरह से। अब इजी तरीके से आप देखें, ये जैसे ये इधर को फेस कर रही है, लेकिन इसमें हमने इसको डबल ऐसे टर्न किया, ठीक है। अब ये वाला जो है, इसे हम यूं इस तरह से यूं टर्न कर लेंगे, ऐसे सेम उसी तरह से जैसे ये है उसी तरह से ये है, और फिर हम इसे यूं इस तरह से ऐसे टर्न करके मोड़ लेंगे। लुक एट दिस, यूं इस तरह हमने टर्न किया इसे, फिर हमने इसे इस साइड को ऐसे फोल्ड कर देने, यूं ऐसे, और यहां पे हम लगा देंगे पेन। अब मैं इसकी दो लेयर्स बनाऊंगी फ्लावर की, एक में सिक्स पहले हम डालेंगे और फिर दूसरी लेयर के लिए हम फोर डालेंगे। अच्छा, अब ये देखें आप, ये सिंगल है, इस साइड से ये बिल्कुल सिंगल है, इसे हमने नहीं टच करना, हमने जिस साइड पे ये वाली लेयर्स बन रही हैं, ठीक है, इस साइड से हमने इसकी स्टिचिंग करनी। और ये चीज़ देखनी है आपने, ये वाली चीज़ एक ही डायरेक्शन में आनी चाहिए, ये इस तरह से सेम एक ही डायरेक्शन। ये देखिए, सुंदर खूबसूरत सा हमारा फ्लावर बन गया। तो ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप हेयर कैचेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने स्वेटर्स की डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप सारे ब्लाउजेस के ऊपर, साड़ी के ऊपर, हर तरह के ड्रेस के ऊपर आप इसे बना के लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फ्लावर, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।